नमस्कार दोस्तों, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। हमारे एक मित्र हैं, अब तो चले गए ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने रिकमेंड किया भाई कोई विपासना विपासना होती है, मैं तो कर लो तुमने। मैं तो पता नहीं था ऐसी कोई चीज़ आ गई, मेडिटेशन वेडिटेशन कर लो अच्छा होगा, फिर बड़ा फील होता है। और उसमें आकाशीय रीडिंग भी सिखा रहे हैं गुरु जी, तो आकाशीय रीडिंग भी सीख लेंगे। तो अपने इंटरेस्ट की चीज़ है, जहाँ भी अपने इंटरेस्ट की चीज हो, जिसका ज्योतिष से कोई लेना देना हो, जो हमें लगे कि वो नई है, वो हमारे कोई प्रिडिक्शन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती है, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। और किसी भी चीज को बिना जाने उसको कह देना कि वो नहीं काम करती, बेकार है, ये भी ठीक नहीं है। तो लेट्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। तो वो आकाशिक रीडिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, तो वे देखते हैं आकाश में नजर आ जाएगा, रीडिंग हो जाएगी। तो ये पीछे चला था, मतलब कोई 3-4 साल पहले आकाशिक रीडिंग, आकाशिक रीडिंग काफी एड वगैरह आने लग गए कि भी आकाश से कुछ दिखेगा तो रीड हो जाए। तो हमने कहा भाई बढ़िया, बल्ला बल्ला हम भी कर लेते हैं। तो पहुंच गए, तो वो कुछ भजन वजन चलते रहते थे। हमारे ही कोई एक टीचर थी वहां पर, तो हमारा ख्याल रखती थी। एक तो टीचर मेन हो गए, फिर साथ में एक ग्रुप बना दिए, ग्रुप की भी एक टीचर हो गई, गाइड हो गई कह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन टॉक टू हर। तो लेडी थी, तो वो मेरे से अलग से मिली, बोलते उमंग जी मैं आपको जानती। तो जब उन्होंने कहा मैं आपको जानती हूँ, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैं कहा बताइए आप मुझे कैसे जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ टाइम पहले वो आपसे आपकी साइट से एक सर्विस ली थी मैंने, आस्क का क्वेश्चन। तो उसने अपने स्टोरी बताई कि भाई मैं पहले यहाँ गुरु जी के पास आई थी, तो मैं जीवन में बहुत परेशान थी, क्योंकि जो आईटी प्रोफेशनल होते हैं या आजकल बैंक के कर्मचारी वगैरह हो गए, राउंड द क्लॉक इनकी ड्यूटी होती है। तो इनके अपने अपने पर समय जो है नहीं निकाल पाते, मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, तो साथ में कोई अगर पर्सनल लाइफ का इश्यू हो जाए तो उस पर समय नहीं दे पाते। तो वो तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था कि मेरा लव अफेयर था, तो मैं किसी से शादी करना चाहती थी, तो बहुत लंबा खिंच गया, तो और मैं सोच नहीं पा रही थी कि किसी और से शादी कर पाऊंगी कभी जिंदगी में। लेकिन उससे शादी भी नहीं हो पा रही थी, बात को भी 7-8 साल हो गए थे। अब घर वालों का प्रेशर था भी शादी करो, उसको मैं प्रेशर डाल नहीं पाती थी, शादी के लिए अभी तैयार नहीं था, मैं किसी और को सोच नहीं सकती थी। तो ये गफलत में काम के प्रेशर के वजह से मैं यहाँ पर कुछ 10-12 दिन का, जैसे कोई विपासना टाइप का कोई एक मेडिटेशन प्रोग्राम है, उसको मैंने ज्वाइन किया। तो ये मेडिटेशन प्रोग्राम में कोई गुरु जी ये कहते थे करते थे कि लास्ट डे के अंदर कोई आपके अगर कोई सवाल है तो मैं उनके जवाब दूंगा आकाशिक रीडिंग से। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैं कहा गुरु जी कि मेरी जो है लव अफेयर चल रहा है कोई काफी सालों से, वो लड़का जो है शादी नहीं हो पा रही, तो मेरी शादी उससे हो जाएगी नहीं होगी, आगे क्या हो। तो गुरु जी ने आकाशीय रीडिंग से चेक किया, तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारी जो है शादी, जैसे ये मेडिटेशन प्रोग्राम खत्म करके आप बाहर निकलोगे तुरंत शादी हो जाएगी, क्योंकि आप मेरे पास आ गए, मेरे पास आते ही सबके काम बन जाते हैं। वो तो मैं बाहर निकली, जैसे ही नेक्स्ट डे उसको अप्रोच किया, उसके बाद उसने मेरे से बात करनी बंद कर दी, हमारा जो लव अफेयर ब्रेक हो गया। अब मैं बड़ी परेशान, गुरु जी ने कुछ बताया था आकाशीय रीडिंग से या कुछ और हो गया। तो मैं वापस गुरु जी के पास मिलने चली गई, उनसे समय लिया। तो मैं गुरु जी ऐसे आपने कहा था कि भाई उससे मेरी शादी हो जाएगी, उसने मेरे को छोड़ दिया, अब मेरी आकाशिक रीडिंग में आए क्या लिखा है, क्योंकि मैं और किसी से शादी नहीं कर सकता। तो मैं अगर नहीं लिखा इससे शादी, तो
तो मैं सन्यास ले लूंगी। तो मेरे में सन्यास की भावना आ गई। तो गुरु जी ने फिर आकाशीय रीडिंग की, बोले अभी तुम सन्यास जो है ले लो, तुम्हारा सन्यास दिख रहा है आकाशीय रीडिंग से। वो तो फिर मैंने सन्यास ले लिया, लेकिन सन्यास लेने से पहले मैंने सोचा कि आपके बारे में जानती थी कि मैं एक बार आपसे भी जो है ये कोई एडवाइस ले लूं। तो मैंने आज का क्वेश्चन एक आपकी साइड से लिया, तो मैंने यही सवाल पूछ लिया कि मेरा एक लव अफेयर टूट गया, तो मेरी शादी उससे होगी या नहीं होगी, और कब होगी, किसी और से होगी, मतलब व्हाटएवर। तो बोलते आपने जवाब लिखा कि भी 3 महीने के अंदर अंदर वो आदमी आपके जीवन में दोबारा आ सकता है, जिसकी संभावना बहुत ही कम है। शादी तो होगी 3-1 साल के बाद, लेकिन इससे नहीं होगी, और होगी लव मैरिज। वो तो मेरे को ये सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग था, सॉरी जवाब बड़ा कंफ्यूजिंग था कि भाई इससे शादी होने की संभावना बहुत कम है, पॉसिबिलिटी भी है तो ये 3 महीने की शादी लिखी है, लेकिन लिखी किसी और से है, और लव मैरिज है, और लव मैरिज मैं करूंगी तो इसी से करूंगी, और किससे, मेरे मन में ऐसी भावना नहीं। तो मैंने फिर जब ये पढ़ा आपका, मैं कुछ देर रुकी, फिर मैंने फिर वो सन्यास ले लिया। आप देखो मेरे सन्यासन के कपड़े पहने हुए थे, तो सन्यासन के कपड़े पहने हुए थे। मैं कहा ठीक है, मैं अब उस बात को, मतलब सन्यास लिए उसको 1.5 साल करीब हो चुका था, यानी कि मेरी प्रेडिक्शन दी है 1.5 साल हो चुका था। अब मेरी प्रेडिक्शन ये थी 1.5 साल बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद 1.5 साल बाद मेरी इनकी शादी हो जाएगी। और मैंने कहा चलो ठीक है यार, होगा होगा तो फ्यूचर बताएगा। तो इतनी देर में बात खत्म हो गई, लंच का टाइम हो गया, फिर बात उसके बाद कोई हुई नहीं इस बारे में। तो हमारे ग्रुप के अंदर एक ग्रुप था जिनकी वो हेड थी, मतलब उनसे बात चली थी, ये साध्वी बन गई थी जो, ऋतु नाम है उनका। तो वो साध्वी जो है उनके अंडर हम सब थे। तो ये जो एक हमारा ये मित्र था, ये मतलब जो हमारे साथी था, ये वहां पर मेडिटेशन प्रोग्राम में, ये के पास अपनी एक पर्सनल कार थी। तो हम जो होटल के रूम में जाते थे तो बस जाया करती थी विपाशना या मेडिटेशन जहाँ होती थी, तो वहां से बस जाया करती थी। तो इनकी अपनी कार होती थी, तो मैं तो खैर दिल्ली से साउथ इंडिया गया था, तो मेरे पास तो वहां कार थी नहीं, तो इन्हीं के साथ आना जाना शुरू हो गया। तो ही वॉज 37 ईयर्स ऑफ एज, तो मतलब सेम वेवलेंथ के लोग होते हैं तो प्यार हो जाता है। तो ये मेरे बारे में कुछ जानते नहीं थे कि भी मेरा कुछ ज्योतिष वगैरह से कोई लेना देना, मैंने बताया भी नहीं। मैंने बोला मैं ज्वेलरी की शॉप है, वो भी है ही। तो इन द मीन टाइम बात लंबी नहीं करता, एक लेडी और मतलब जो हमारे साथ आने जाने लगी, तो उसके सामने बात खुल गई। उसने मेरा वीडियो देख लिया कि मेरे को ज्योतिष से कोई लेना देना, तो इसने बोला यार तुमने बताया नहीं मैं बता के क्या करूंगा, या हम जिस काम के लिए आए वही करें। तो उसने ऐसे बातचीत में मेरे को कह दिया कि भी मैं शादी नहीं करूंगा, मैं भी सन्यास ले लूंगा। तो मेरे वैसे मन में आई, मैं कहा यार तू माँ बाप का अकेला लड़का है, तू सन्यास लेना मुझको लगता है तेरा ठीक नहीं है। सन्यास लेने का तो बहुत समय है, मुझे जब 65-70 का हो जाए तो ले लियो, अभी शादी कर ले, 37 का हो गया साल, एक और में शादी कर ले, 1-2 बच्चे हो जाए, क्या मतलब माँ बाप दादा दादी भी पोता पोती का मुंह पे देख जाए तो अच्छी बात है यार। तो खैर बातचीत आई गई खत्म हो गई। फिर उसने खैर एक दिन पूछ भी लिया कि भाई यार मेरी शादी कब होगी, तो मैंने बताया मैं यार 1.5-1.5 साल में शादी हो जाएगी, लव मैरिज। बोलते लव का तुम्हारा कोई खाना ही नहीं है। मैं कहा चल छोड़ना यार, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, बात खत्म। खैर वो हमारा मेडिटेशन प्रोग्राम खत्म हो गया, आकाशीय रीडिंग वहां गुरुजी ने कोई सिखाई नहीं, जिस काम के लिए हम गए थे मेडिटेशन कर ली, वो भी कुछ खास समझ आया नहीं क्या होता है मेडिटेशन, आज तक नहीं समझ में आया। मतलब कईयों के पास गए नहीं समझ आया, नहीं आया नहीं होती हमसे तो ठीक है, हर एक से नहीं होती होगी। तो
करीब 1.5 साल के बाद वो जो सज्जना जिनकी मैं बात कर रहा था, इनको मैंने बताया था अभी 1.25 साल में शादी हो जाएगी, उनका मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आया उनकी शादी। वाज वेरी एक्साइटेड कि भाई चलो इसकी शादी हो गई भाई, अच्छी बात है भाई। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें आना है तो जहाँ कार्ड आजकल हो गया ना, कार्ड व्हाट्सएप पे भेज दिया करते थे, उन्होंने कार्ड व्हाट्सएप भेज दिया, शादी का प्लेस भी बता दिया, तो मैं पहुंच गया वहां। पहुंच गया तो वहां हमारे साथ, मतलब मेरे को एक और भी सहपाठी थे जो मेडिटेशन प्रोग्राम में आए थे, वो भी मिले, बुजुर्ग बुजुर्ग हैं वो, मतलब एयरफोर्स में थे। तो काफी देर उनसे बातचीत होती रही, में बैठे जो बारात थी बहुत लेट हो गई थी, मेरठ के पास की बात बता रहा हूँ, बारात लेट हो गई थी और हम वहां पर 11 बज गए रात को। तो बोले यार मैं तो और यहाँ रुक नहीं सकता, मेरे को तो सोना है अभी, नींद, मैं रात भर जाग नहीं सकता, बारात कब आएगी मालूम नहीं। तो मैं कहा सर फिर वो सगन मगन किसको दे, मेरे को वहां से चंडीगढ़ निकलना था आगे, तो मैंने साथ में होटल बुक करा लिया। तो उन्होंने कहा वो दुल्हन को दे, तो दुल्हन को तो हम जानते नहीं, तो वो जानते तो हैं सर, मैं नहीं जानता आप जानते हो। बोलता चलो सही, आपको पता चल जाएगा। वो गए तो दुल्हन तो वाकई जानी पहचानी थी, वही रितु जो जिसके आकाशीय रीडिंग से प्रेडिक्शन करी थी गुरुजी ने, वो उसकी शादी हो रही है, शादी उसी से हो रही है, लड़के से, वो लव मैरिज हो रही है। तो आई वाज सरप्राइज कि मतलब किस तरह से नई नई चीजें गड़ गड़ के लोग आकाशिक रीडिंग, कुछ मतलब नई नई चीजें जिनसे भाई कोई प्रिडिक्शन आ जाएगी। बट मैं जब भी ट्राई किया आई फाउंड कि भाई ये बातें ठीक नहीं है। तो बस एक आपके साथ एक एक्सपीरियंस बस शेयर करना था कि भाई जब भी कोई नई चीज आती है तो एकदम से एक्साइटेड होके मतलब पैसे दे के भागना वो भी ठीक नहीं है। हाँ एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, वो तो मैं अब भी लेता ही रहता हूँ, पैसा जाता जाए और चीजों का भी एक्सपीरियंस लिया, लेकिन ज्यादातर पाइया की चीजें जो है सही बैठती नहीं। और मेरे एक्सपीरियंस सुनने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्सपीरियंस आई थिंक इट विल ऑल्सो गाइड यू कि भाई ये जो फर्जी बाबा वगैरह होते हैं जो बेकार की बात करके, नहीं नहीं बड़ी बड़ी बातें, ये ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मोटे पैसे ठग लेते हैं, उनसे बचें। और क्या,